एप्पल का नया आईफोन 14 फाइनली आ चुका है हाथ में। ये एप्पल का इस बार का सबसे सस्ता आईफोन है। पिछले साल एक मिनी हुआ करता था, अब नो मिनी, अब सब बड़ा बड़ा हो गया। ये है नया आईफोन 14। इसका एक थोड़ा सा बड़ा वेरिएंट आता है जिसकी स्क्रीन बड़ी और थोड़ी सी बैटरी बड़ी है, वो है आईफोन 14 प्लस। हमने यूज कर रखा है सारे सॉफ्टवेयर, सारा कैमरा, सारी इंटरनल, सारी परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट सेम है। इस वाले आईफोन में पिछले आईफोन 13 से कुछ कुछ छोटे छोटे अपग्रेड हर जगह देखने के लिए मिलते हैं और कुछ कुछ नई नई चीजें ऐड करके सॉफ्टवेयर हार्डवेयर सारी चीजें दिखाने की कोशिश करते हैं। लेट्स गो। सबसे पहली चीज जो आप नोटिस करोगे भाई, वाइट डब्बा है और यहाँ पे ना ऐसे आईफोन हल्का सा उठा उठा है। नीचे देखोगे जो लोगो है ये भी रेड कलर का, यहाँ पे आईफोन भी रेड कलर में लिखा है, काफी अलग सी शाइन है, काफी इंटरेस्टिंग सा लग रहा है। और भाई फाइनली इसको खोल लेते हैं। वैसे हमने पहले खोल रखा था। ये है नया आईफोन 14 रेड कलर में और ये अभी तक का एप्पल का सबसे ज्यादा ब्राइट रेड कलर है। हो सकता है कैमरे में ना दिखे बट सामने से देखने में काफी चटक सा रेड कलर दिखता है। बिल्कुल मजाक नहीं भाई, डेफिनेटली काफी इंटरेस्टिंग कलर। और बॉक्स में भी ऑफकोर्स आपको ये देखने को मिलता है, इसके अंदर कुछ कुछ पुस्तकें, एक स्टिकर है, एक सिम इजेक्टर टूल, इसमें सिम है और ई सिम भी है, वो एक नई चीज ऐड कर रखी, बड़ी बात है। ये वाला प्रोडक्ट रेड वेरियंट है। इस वाले प्रोडक्ट की जितनी भी सेल्स होती है उनका एक पोर्शन एप्पल कॉन्ट्रीब्यूट करता है HIV/AIDS प्रोग्राम को। एप्पल की तरफ से काफी अच्छा सा इनिशिएटिव है भाई, डेफिनेटली एक स्टेटमेंट तो मारता है ये वाला कलर। ये हमारी जो स्टैंडर्ड केबल आपको देखने मिलते हैं और ऑफकोर्स और कुछ नहीं, चार्जर वार्जर सब अलग से। आप बोलोगे ये तो थोड़ा सेम सेम सा लग रहा है फ्रंट से भी बैक साइड से भी, वो क्योंकि है बिल्कुल सेम है। आईफोन 13 और आईफोन 14 में कुछ फर्क नहीं है दिखने में, बैक साइड में सेम, एकदम सेम टू सेम। वे है तो बहुत सुंदर, और अगर आपको और सुंदर बनाना तो layers.shop, क्या बढ़िया टेक्सचर्स, क्या बढ़िया डिजाइंस, मजा आ गया देख के अलग अलग रेड कलर में। देखो मैं एकदम सीरियस से बताता हूँ, ये वाला पुराने आईफोन 13 से बहुत ही छोटा सा अपग्रेड है। 13 के ऊपर हल्का सा मसाला छिड़का सॉफ्टवेयर का, हार्डवेयर का, बस डन, दो तीन और कलर एड हो गए। इसका एक बड़ा भाई है आईफोन 14 प्लस, वो मेरे को काफी इंटरेस्टिंग था। उसमें स्क्रीन बड़ी है, बैटरी बड़ी है और देखो बिल्कुल मजाक की बात नहीं, वो हमने ट्राई कर रखा है, काफी ज्यादा मजा आता है उसको यूज करने में। सबसे ज्यादा तगड़ी बैटरी वाला आईफोन है अभी तक, इवन 14 प्रो मैक्स से बेटर बैटरी आईफोन 14 प्लस में। ऐसे इसलिए भी है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले नहीं है, रेजोल्यूशन कम है, 60Hz है, परफॉर्मेंस थोड़ी कम है, तो इन सारी चीजों की वजह से बैटरी कम खर्च होती है। तो अगर आपको बैटरी वाला चैंपियन लेना 14 प्लस, बट आईफोन 14 की अगर बात करें मैं बता दूं देखो क्या क्या चीजें ऐड कर रखी। सबसे पहली चीज, मेन कैमरा में सेंसर अपग्रेड करा गया, वाइड एंगल वाला सेम है, सेल्फी कैमरे में अपग्रेड है, ऑफकोर्स नॉच में कोई चेंज नहीं है, वो एकदम ही सेम सी नॉच है, ई सिम ऐड करी गई है और डिस्प्ले थोड़ा सा बेटर फील होता है, क्रैश डिटेक्शन है, सैटेलाइट से कनेक्शन हो जाता है, पीछे जो बनावट है वो थोड़ी डिफरेंट है, इसमें मतलब ग्लास अलग से उखड़ जाता है तो आप रिपेयर करना तो थोड़ी सी आसानी रहेगी, हीटिंग वीटिंग काफी कम कर दी गई है, बस इतना ही मेरे दोस्त, डन। देखो अब क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्यों, इस प्रश्न के उत्तर की खोज करी जाए। लेट्स गो। डिस्प्ले भाई डेफिनेटली जो आप आईफोन के डिस्प्ले से एक्सपेक्ट करो, वाह क्या कलर है, क्या रेजोल्यूशन है, जो कॉन्ट्रास्ट काफी प्यारा सा लग रहा है, बोलोगे मजा आता है भाई देखने में। फ्रेश वॉल के अगर आपने इसके ऊपर कलरफुल वॉलपेपर खोल लिया, वाह क्या स्लाइड हो रहा है, क्या मजा आ रहा है, वाह। काफी सारे जो प्रो वर्जन वाले फीचर है वो आपको नहीं देखने मिलते, जैसे डायनेमिक आइलैंड नहीं है, सेम नॉच है, उसके बाद ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी नहीं है इसके अंदर, ठीक है ऐसी कोई चीज नहीं है कि लाइक डिसीजन आपका बदल दे। अगर आप समझ लो किसी भी कार क्रैश में आते हो तो इसमें ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा और ऑटोमेटिकली कॉल कर देगा इमरजेंसी सर्विसेज में, आपके घर वर वालों को भी पता चल जाएगा अगर आपने फीड इन कर रखा है। तो इसके अंदर सेंसर वेंसर लगे जो जिसको पता चल जाता है एक्सीडेंट हुआ है, हो सकता है कभी गिर जाए जमीन पे, ऑटोमेटिकली कॉल कर दी पुलिस वुलिस ने तो पता नहीं, बट अभी तक तो नहीं हुआ ऐसा। समझ लो आपका नेटवर्क नहीं आ रहा, नदी वदी में आप फंस गया, पहाड़ पे फंस गए, डायरेक्ट सैटेलाइट से कनेक्ट कर ले और सैटेलाइट से पूरा सिग्नल लाके हेलीकॉप्टर डायरेक्ट आ जाएगा। बट ये वाला फीचर बस यूएस और कनाडा में वर्क करता है, इंडिया में नहीं कर रहा, तो हम क्या ठीक है भाई हम पहाड़ पे नहीं जा रहे। जैसे है सेमी डिजाइन, मतलब वही कैमरा बम्स हैं, साइड में पूरा एल्यूमिनियम फ्रेम है, लेफ्ट साइड में देखो यहाँ पे सिम स्लॉट दे रखा है, ऊपर वॉल्यूम बटन है, राइट साइड में पावर बटन है, ऊपर की साइड पे पूरा सफार, पूरे एंटीना बैंड, नीचे की साइड पे स्पीकर लगा रखे हैं, लाइटनिंग केबल है, सिरेमिक शील्ड है, IP रेटिंग है, बैक साइड में ग्लॉसी फिनिश है, फिंगरप्रिंट्स आ जाते हैं, बट लाइक सही यार लेयर्स की स्किन लगा हुआ है, टेक्सचर भी आ जाएगा, मजा आएगा। डिस्प्ले में भी आपको सुपर रेटिना XDR डिस्प्ले देखने में मिलता है, ब्राइटनेस भी उतना ही है, 60Hz का पैनल है, मेरे ख्याल से अगर 90Hz 120Hz थोड़ा ऐड कर देते तो इस बार थोड़ा सा अपग्रेड फील होता, हल्का ज्यादा पिक्सल्स है, थोड़ा शार्प फील होता है। परफॉर्मेंस की भी अगर बात करें तो इसमें A15 बायोनिक आपको देखने के लिए मिलता है, सेम है पिछले साल वाला, पिछली बार जितने कुर्ते उसमें 1+1 ऐड हो गया। मैंने जितना भी एक्चुअल परफॉर्मेंस में ट्राई करा कुछ मतलब ऐसा नोटिसेबल मेरे को फर्क नहीं दिखा, क्योंकि पुराना वाला भी तेज चल रहा था, ये भी तेज चल रहा है, बट एक गेम चला के देखते हैं तब अच्छे से और पता चलेगा। ओ भाई बस स्पीकर में कमी नहीं है, स्पीकर भाई तेज है, काफी तेज है भाई, आईफोन के तेज होते हैं, बट सेम है भाई जो ग्राफिक्स हैं, जो गेम प्ले दिख रहा है भाई अभी तक तो तगड़ा दिख रहा है, और सेटिंग दिखाऊंगा एक बार भाई, एक्सट्रीम HD पे अल्ट्रा कर रखी है भाई, इससे ऊपर सेटिंग ही नहीं है भाई, तो काफी तेजी से मार रहा था।
जो ग्राफिक्स हैं, जो गेम प्ले है भाई, पूरा मैं इधर उधर सब कर रहा हूँ भाई, कोई कहीं पे भी लैग या कहीं पे फ्रेम ड्रॉप नहीं देखने मिल रहा भाई। आईफोन 14 में आपको परफॉर्मेंस की दिक्कत नहीं आएगी, बट पुराने वाले से अगर आप एक बड़ा अपग्रेड एक्सपेक्ट कर रहे हो तो नहीं है। कैमरा भी हम चेक करके आते हैं, लेट्स गो, फोटोज खींच के देखते हैं। सबसे पहले मैं खींचता हूँ एक वाइड एंगल से फोटो, हम 1x में खींच लेंगे, 5x पे डिटेल भी पता चल जाएगी भाई। जैसे कि देख सकते हो जो 1x में फोटो खींची उसमें डिटेल काफी ज्यादा तगड़ी है। ये वाली हमने 1x ही खींची है, 1x में भी अच्छी खासी फोटोज आ रही हैं। फ्रंट से भी खींच के देखेंगे, ये हमने सेल्फी खींची है और इसमें भाई अच्छा आ रहा है, डिटेल डिटेल भाई, दाढ़ी वाड़ी के बाल आ रहे हैं, आईब्रोज आ रही हैं। बट एक चीज मैं नोटिस करी, ऑल्दो वैसे सेंसर अपग्रेड करा बट बहुत ही माइनर चेंजेस मेरे को देखने मिले। यूजुअली जितने भी चेंजेस हैं वो थोड़ा सा लो लाइट फोटोग्राफी अगर आप करोगे या फिर थोड़ी सी बेटर लाइट, हल्की सी बेटर डिटेल, जो कलर्स हैं वो हल्के से डिफरेंट फील होते हैं, बट बहुत ही स्लाइट सा मेरे को डिफरेंस फील हुआ। अगर आप कंपेयर भी करोगे आईफोन 13 और आईफोन 14 की फोटो, शायद आप फर्क ना भी बता पाओ। बट इसमें कुछ चीजें और ऐड करेंगे, जैसे अगर आप सिनेमैटिक मोड में आते हो आप 4K में रिकॉर्ड कर सकते हो, और वीडियो में भी अब आप एक्शन मोड एनेबल कर सकते हो, उसे काफी स्टेबल वीडियो आ जाती है। और अगर आप लो लाइट में फोटोज खींचो थोड़ा सा कम टाइम लगता है फोटोज खींचने में, जैसे वो शटर वाला आता है ना, 1 सेकंड 2 सेकंड का आता है ना, वो थोड़ा सा कम हो जाता है। एक एप्पल ने अपना फोटो इंजन इसके अंदर ऐड कर रखा है, जो बढ़िया भाई, काम तो कर। बैटरी भी हमने जितनी यूज करी इतना कुछ ज्यादा बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं फील हुआ, मैं बोलूंगा 5-6% का डिफरेंस फील हुआ। पहले अगर प्लेबैक 19 घंटे के अराउंड का था तो अब 20 घंटे के अराउंड का प्लेबैक मिल जाता है। आपको हो सकता है पता भी ना चले अगर आप आईफोन 13 यूजर थे, और इसमें अभी भी आपको 20 वॉट चार्जर से चार्ज करना पड़ेगा। मेरे हिसाब से 30-35 वॉट तक तो होना चाहिए था। कैमरे में ऐसा नहीं है कि अच्छा नहीं है, जो प्राइमरी कैमरा है वो एकदम टॉप ऑफ द लाइन वीडियोस लेता है और काफी सारे फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स को भी बीट कर देगा, बट 13 से बहुत ही स्लाइट सा अपग्रेड। फ्रंट कैमरे में एक छोटा चेंज है कि भाई आपको ऑटो फोकस देखने मिलता है, तो अगर एकदम पास से भी खींचूंगा तो भाई दाढ़ी वाड़ी पूरी फोकस में आ जाती है और मूंछ-ऊंचे देख के मैं काट सकता हूं अगर मेरा मन करे। बट सीधी सीधी बात, क्या आपको खरीदना चाहिए? एप्पल की पिछले 3-4 सालों में काफी इंटरेस्टिंग स्ट्रेटजी बन गई, उन्हीं में थोड़ा सा रीपैकेज करके थोड़ा सा मसाला साला डाल के एक नया फोन क्रिएट कर दिया जाता है। आईफोन की ऐसी सीरीज जो है जिसमें पुराना फिजिकल हार्डवेयर यूज होता है और अंदर चिप विप नहीं लगा के काफी फास्ट करके उसको एक नए फोन में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और वो काफी ज्यादा सक्सेसफुल और काफी ज्यादा लोगों को पसंद भी आता है। इससे फायदा होता है कि भाई एप्पल को अगर एक नया प्रोडक्ट डिजाइन करना है तो उसमें रिसर्च और डेवलपमेंट में सारी चीजें फिगर आउट करने में, कौन सा मटेरियल यूज होगा, कैसे चीजें बनेंगी, कहां चिप्स लगेंगी, काफी सारी चीजें होती है, और उन सारी रिसर्च को उन सारी डेवलपमेंट को करने में काफी ज्यादा टाइम, पैसा, बहुत सारी इन्वेस्टमेंट लगती है। और अगर एक पहले से ट्राइड और टेस्टेड चीज के अंदर थोड़ी बहुत चेंजेस करके नई चीज बनानी हो तो काफी ज्यादा क्विक रहता है, तो वो स्ट्रेटजी एप्पल के लिए काफी बढ़िया काम कर रही है और कस्टमर्स के लिए भी काफी बढ़िया काम कर रही है। बट इस वाले केस में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो गया है, क्योंकि जो डिफरेंस आईफोन 13 और आईफोन 14 में, वो फीचर्स में इतना ज्यादा बड़ा नहीं है बट प्राइस में एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस आ गया है। आईफोन 14 का प्राइस इंडिया में 80,000 रुपीज के अराउंड है, अभी मैंने सेल वेल के अराउंड देखा भाई 50,000 के अराउंड आपको आईफोन 13 देखने के लिए मिल रहा है। ये हो सकता है खाली सेल सेल में, तो एकदम अगर सीरियसली बताऊं, अगर आपके पास आईफोन 13 है आपको कोई जरूरत नहीं अपग्रेड करने की, अगर आपको कलर वलर कुछ नया चाहिए ऐसा कुछ चाहिए तो आप कर सकते हो, बट आपको ज्यादा फर्क नहीं देखने के लिए मिलेगा। आईफोन 12 से थोड़ा सा एक बड़ा अपग्रेड देखने को मिलेगा, और 12 के पीछे जो स्मार्टफोन्स है 11, 10 और जितनी भी सीरीज है, उन सबसे अपग्रेड करने में भाई डेफिनेटली एक अच्छा खासा फर्क फील होगा। ये थोड़ा सा इंक्रीमेंटल अपग्रेड है और पुराने वाले आईफोन्स के प्राइस भी कम हो जाते हैं जब नए वाले आईफोन्स लॉन्च होते हैं, बट भाई ओवरऑल डेफिनेटली एक क्लासिक फ्लैगशिप आईफोन है। जो कैमरा है, परफॉर्मेंस, बैटरी, डिस्प्ले सब ऑलमोस्ट एकदम टॉप ऑफ द लाइन है, चार्जिंग को छोड़ के 120 हर्ट्ज वाला ओवर ऐड करता तो और मजा आ जाता, बट भाई डेफिनेटली एक प्रीमियम फ्लैगशिप एक्सपीरियंस जिसको यूज करके आपको डेफिनेटली मजा आएगा, और एक चीज के पास आके और मजा आएगा, वो है नीचे टेक मैन का सब्सक्राइब बटन। हमें थैंक्स फॉर वाचिंग।